जय हिंद। नमस्कार साथियों, आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई कर लिया हुआ है एसएससी एमटीएस का, और दोस्तों बात करें सबसे पहले जो प्रॉब्लम आ रही है फिर से कि वह ऑफलाइन चालान को ही दोस्तों जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। आप दोस्तों जनरेट कर रहे हैं तो फिर उसका जो आप पेमेंट कैसे करेंगे, उसका प्रोसेस क्या है ऑफलाइन चालान का, सारा दोस्तों प्रोसेस हम इस वीडियो में आप सबको बताने वाले हैं। तो आप सब हमारे इस वीडियो में फ्रंट तक बने रहिएगा, और जो भी कैंडिडेट हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि दोस्तों आपको हर एक तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। जैसे ही आप एसएससी की ऑफिशियल साइट पर लॉगिन कर लेंगे, सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता देते हैं पेमेंट स्टेटस, पहले हम आपको दिखा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले हम पेमेंट स्टेटस आपको हम दिखा देते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, जिस भी कैंडिडेट का इस तरह का आपको देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए सारा कुछ कंप्लीट है, पेमेंट कंप्लीट है, तो दोस्तों उसको ऑफलाइन चालान जनरेट नहीं करवाना है। जी हाँ दोस्तों, जिसका भी पेमेंट कंप्लीट हो चुकी है उसको ऑफलाइन जनरेट नहीं करवाना है। और दोस्तों जितने भी कैंडिडेट का फॉर्म को दोस्तों अप्लाई कर लिए हैं और पेमेंट भी कर लिए हैं, और दोस्तों उसका बात करें तो पेमेंट स्टेटस इनकम्प्लीट बता रहा है, यानी कि पेंडिंग बता रहा है, यानी सक्सेसफुल नहीं है, फेलियर है, तो दोस्तों आपको क्या करनी है, डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट पर क्लिक कर लीजिएगा, आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों मेन बात कर लेते हैं कि ऑफलाइन चालान जनरेट कैसे करवाना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड ऑफलाइन चालान दोस्तों यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं दोस्तों जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, या फिर अलग मोड से दोस्तों जहाँ से आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं वहाँ से भी आप जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जनरेट ऑफलाइन चालान। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपका ऑफलाइन चालान इस तरह का देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें दोस्तों आपका नेम, रजिस्ट्रेशन आईडी, दोस्तों सारा कुछ इसमें मेंशन रहती है। दो दोस्तों आपको वहाँ पर स्लिप आपको देखने के लिए मिलेगा जब भी आप जनरेट करेंगे ऑफलाइन चालान, दोस्तों इस तरह का आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों सबसे पहले बात करें आपको इसकी प्रोसेस क्या है, आपको दोस्तों दो देख सकते हैं यहाँ पर दो पर्ची आपको देखने के लिए मिलेगा, दो स्लिप, उसमें दोस्तों एक SBI की जो दोस्तों मेन केंद्र होती है, हर दोस्तों आप जिस भी जिले में रहते हैं, जिस भी स्टेट में रहते हैं, दोस्तों SBI का दोस्तों आपको बैंक देखने के लिए तो मिल ही जाएगा। वहाँ पर दोस्तों आपको जानी है और बोलना है कि हमको ये चालान दोस्तों पेमेंट करवाना है, तो दोस्तों वहाँ पर आप 100 रुपये दे दीजिएगा, ऑफलाइन चालान दोस्तों आपको एक स्लिप दे दिया जाएगा और एक स्लिप दोस्तों बैंक वाले खुद रख लेंगे। और बात करें कि आपका जो जब भी आप पेमेंट को जनरेट करवाएंगे तो आपका कितने दिन के बाद आपका वहाँ पर SSC की ऑफिशियल साइट में वहाँ पर सक्सेस देखने के लिए मिलेगा, तो दोस्तों जो बैंक की प्रोसेस है, सो दोस्तों जो बिजनेस डे होती है, यानी कि दोस्तों जो मंडे से लेकर दोस्तों सैटरडे तक आप दोस्तों ऑफलाइन चालान जो उस बैंक में जमा करवा सकते हैं, और दोस्तों लगभग 5 से 6 दिन के अंतराल में ही दोस्तों आपका वहाँ पर स्टेटस जो है सक्सेस हो जाता है, आप चेक करते रहिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि लास्ट डेट ऑफ जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, यहाँ दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर 23/7/2023 यानी 11 बजे रात तक ही ऑफलाइन चालान को आप जनरेट करवा सकते हैं। दोस्तों आप 23 तारीख के अंदर ही दोस्तों आप जनरेट करवा लीजिए, भले ही दोस्तों 1-2 दिन के बाद ही आप बैंक में जमा कीजिएगा, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला, लेकिन 23 तारीख के अंदर ही दोस्तों आपको ऑफलाइन चालान जनरेट करवा लेना होगा। खुद से दोस्तों आप जनरेट कर सकते हैं, मोबाइल से ही कर सकते हैं, जो भी प्रोसेस हमने आपको बताएं। अगर दोस्तों कोई भी दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए, आप दोस्तों डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इसी तरह की दोस्तों हर अपडेट पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा।